मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अगला कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं। रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए, राइट। और जो पढ़ने का मैंने तरीका आपको बताया, उस तरीके को फॉलो कीजिए कि क्या एग्जैक्ट तरीका है। लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसे इन वन को नहीं देखना है, बल्कि ब्रेक कर करके, समझ समझ करके, अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूं, तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आप देख लेंगे कि हाँ सर ने ऐसे करा दिया, नहीं। आप उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन देखने के पहले पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा, राइट। अब फिर उसके बाद आगे फिर हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग प्रोसीड कीजिए, ब्रेक कर करके, तोड़ तोड़ के। तोड़ने का मतलब है कि ये नहीं कि इन वन को देखना, बल्कि थोड़ा सा देखा, फिर समझा, फिर अपने दिमाग में उसे स्टैब्लिश किया, और फिर उसे लिखा भी, फिर आगे प्रोसीड किया, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेक्चर आगे। हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हमें पता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज गिवन बाय एफ इक्वल टू आर बाई टू, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट पे। आप ये देख रहे हैं कि दिस वन इज द कॉनकेव मिरर, राइट, और दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। पी को हम लोग कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, एफ कहलाता है फोकस, और सी कहलाता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन द सिमिलर वे पी यहाँ पे पोल कहलाता है, F यहाँ पे फोकस, और C यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पॉइंट क्या होता है कि यदि पैरेलल रेज, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल जो भी हम लोग रेज प्लेस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल रेज, और उसको हम लोग कहते हैं इंफिनिटी से आती हुई रे, राइट। तो मान लिया जाए कि आपका कि ये और ये एक पैरेलल रेज है, दैट मींस ये एक इंफिनिटी से आती हुई रेज है, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट करती है। मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे ये इमेज फॉर्म करती है, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं यहाँ पे फोकस ऑफ द मिरर। दैट मींस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द मिरर, और इस लेंथ को पीएफ को हम लोग कहते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो पीएफ जो हो गया फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हो गया, सी कहलाता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, और पीसी जो है पीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पोल से, वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में रिलेशन प्रूफ किया जाता है, और आपको याद रखना है कि दिस रिलेशन इज गिवन बाय एफ इक्वल टू आर बाय टू। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक स्पेरिकल मिरर्स का हम लोग यदि देखें तो उसकी फोकल लेंथ केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंडेंट है, पहली बात तो यहां पर यह है। दूसरी बात यहां पर किया है कि यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कि यदि हमने इस मिरर को किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर दिया, एयर से मैंने वाटर में डाल दिया, तो क्या फोकल लेंथ ऑफ द मिरर चेंज करेगा? तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर चेंज नहीं करता है, वहीं पर लेंस का फोकल लेंथ चेंज कर जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट अब यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे क्या फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है जो उससे रिफ्लेक्ट हो रही है? तो उस पर भी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो है आपका वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड करती है, राइट, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे, ये वाला जो रिलेशन एफ इक्वल टू आर बाई टू है, वो केवल पैराक्सियल रेज के लिए वैलिड है। पैराक्सियल रेज कौन से रेज होते हैं? वो रेज होते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी काफी नजदीक होते हैं, तो ऐसे रेज को हम लोग कहते हैं पैराक्सियल रेज। तो हम लोग यहाँ पे जो मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे या फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई टू की बात करते हैं, तो ये केवल पैराक्सियल रेज के लिए ही ये वैलिड है। तो इस फॉर्मूले की ये लिमिटेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर को हम लोग यहाँ पे कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब ये किस बात पे डिसाइड होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप देख रहे हैं इन्फिनिटी से आती हुई रे, ये जो रेज हैं जो इन्फिनिटी से आ रही हैं और कॉनकेव मिरर पे भी इंसिडेंट करती हैं, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे ये क्या कर रही हैं? कन्वर्ज कर रही हैं। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर में देखिए कि ये जो पैरेलल रेज है जो कि यहाँ पे इस मिरर पे इंसिडेंट कर रही है कॉन्वेक्स मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से एपियर टू डाइवर्ज है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि ऐसा एपियर हो रहा है कि इस पॉइंट से जब आप इसको पीछे लेके जा रहे हैं इन दो रेज को, तो इट एपियर्स दैट दीज टू रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट एफ। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मिरर कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड द
डाइवर्जिंग मिरर। तो हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, राइट। अब दूसरी बात यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसकी जो फोकल लेंथ ली जाती है वो निगेटिव होती है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है, इस बात को ध्यान में रखना है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट ये कहा जाता है कि जितने भी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो है, हम लोग मेजर करते हैं पोल से, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे द डिस्टेंस मेजर्ड विल बी पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे द डिस्टेंस मेजर्ड विल बी नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग सारा डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं, राइट। पहली बात तो ये हो गई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, तो इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे वो आपका पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे वो नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, राइट। वहीं पे अब देखिए यहां पे फिर से देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है। अब पीएफ जो डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं वो आप कहां जा रहे हैं, आप जा रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। देखिए ध्यान से, यदि आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे जा रहे हैं मेजर करने के लिए, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, सिंपली पॉजिटिव। तो इसलिए फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे पॉजिटिव है, वहीं पे फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर नेगेटिव है। तो मैंने आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बता दिया। इसमें और एक पॉइंट है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्सिस कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, अब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाते हैं मेजर करने के लिए तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो ये आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिरर फॉर्मूला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिरर फॉर्मूला जो होता है 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f होता है। u is called the object distance which is measured from the pole, v is called the image distance which is measured from the pole, f is the focal length, और ये भी हम लोग मेजर करते हैं बेसिकली पोल से ही। नेक्स्ट अब देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो उस केस में हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज करते हैं। दिस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाय यू, इट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी दो इसमें से क्वांटिटी दे रखी है तो तीसरी क्वांटिटी हमेशा इसी से हम लोग पता करेंगे। सपोज मुझे फोकल लेंथ दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है तो इमेज डिस्टेंस हम लोग यहीं से निकालेंगे। सपोज मुझे यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दे रखा है और फोकल लेंथ दे रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यहीं से निकालेंगे। दूसरी बात, इस फॉर्मूले का यूज करके जो हम लोग निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट ऑफ द इमेज निकलने के बाद आप बता देंगे कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एनलार्ज्ड हुआ है या डिमिनिश हुआ है या उसी साइज का बना है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इसी फॉर्मूले से हम लोग ये भी बता देंगे कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो हम लोग वो देखेंगे कि कैसे करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ही फॉर्मूला पैराक्सियल रेज के लिए वैलिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों फॉर्मूले की अपनी एक लिमिटेशन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे कि दोनों ये फॉर्मूला केवल पैराक्सियल रेज के लिए वैलिड है, राइट। ये वाली बात हो गई। अब हम लोग इन दो फॉर्मूले की एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं साथ में एक एप्लीकेशन लगा रखा हूं कि ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर है, वो इस तरीके से प्लेस्ड है, राइट, एट द डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमारे को यहाँ पे ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी साइज क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी। इन फॉर्मूले में आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है जो कि मैंने डिस्कस कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ऑब्वियस बात है इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यदि मैं मेजर करने जाऊंगा तो ये जो पोल है उस पोल से इस साइड जाऊंगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस ओर होगी तभी तो इससे रिफ्लेक्ट करेगी, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है। मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को जो मेजर करने जा रहा हूं वो पोल से इस साइड जा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस ओर इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट जा रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो यू की वैल्यू क्या लिखेगा आप, सिंपल सी बात है नेगेटिव लिखेगा अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, दैट्स व्हाई यू विल बी रिटन एज -27 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है तो हाफ कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो होगी इसकी फोकस यहां पे होगी इसकी,
हम लोग यहां से ऐसे जा रहे हैं मेजर करने के लिए, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ वैसे भी हमें पता है कि नेगेटिव होते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो एफ के वैल्यू हमने -18 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लेस कीजिए मिरर फॉर्मूले में, जब प्लेस करेंगे तो ये आपको मिलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई खुद घर पे कर लेंगे तो V की वैल्यू आ गई -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे इमेज जो फॉर्म कर रहा है पोल से इस साइड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये निगेटिव साइन है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। V की वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव से ही हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इमेज कहाँ पे बनेगा, राइट। तो इमेज जो बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट द डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, राइट। एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अब देखिए यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 36 सेंटीमीटर है। आपने ऑब्जेक्ट को किसके बीच में प्लेस किया है? आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है सेंटर एंड फोकस के बीच में। फोकस इसकी है 18 सेंटीमीटर पे, कहीं यहां पे होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगी, जो कि आपका 36 सेंटीमीटर में है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। इमेज डिस्टेंस कितना आ रही है? 54 सेंटीमीटर। दैट मींस जो इमेज बन रही है वो आपका इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। तो आप इसी से बता देंगे कि इमेज की फॉर्मेशन एग्जैक्टली कहां पे हो रही है, राइट। एक तो बात ही हो गई। तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, राइट। एक तो ये बात हमने कर ली। नेक्स्ट अब देखिए, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इमेज की हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो क्या कहता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई यू। तो माइनस साइन यहीं पे रहेगा। वी की जगह -54 प्लेस कीजिएगा, यू की जगह -27 प्लेस कीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यू विल गेट एच आई इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, राइट। तो हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया? -5। माइनस साइन का मतलब क्या है कि द इमेज विल फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। एक तो ये बात हो गई। चूंकि ऑब्जेक्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखी हुई है तो इसलिए एच ओ की वैल्यू जो डालेंगे यहां पे वो +2.5 डालेंगे, राइट। तो एच आई आ जाती है -5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि इमेज यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो डेफिनेटली इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो गई? इन्वर्टेड हो गई और एनलार्ज्ड हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट केवल क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। तो आप इसी इंफॉर्मेशन से सारी बात बता सकते हैं कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा यहां पे? ये एक रियल इमेज फॉर्म करेगा, इन्वर्टेड इमेज है। जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम बनाने के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रेज विल एक्चुअली कन्वर्ज। तो आपका रे डायग्राम जब बनाएंगे तो उसके हिसाब से नेचर ऑफ द इमेज आपका रियल इमेज बन जाएगा, राइट। तो फाइनली हमने क्या बात करी कि इमेज विल फॉर्म बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, राइट। एक बात। दूसरी बात, द इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी एनलार्ज्ड। तो हमने ये सारा कुछ मिरर फॉर्मूले से सब कुछ समझ लिया कि आखिर किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो मैंने आपको एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, साथ में मैंने एक प्रॉब्लम भी आपको करके दिखा दिया कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। जैसा कि हमें ये पता है कि जब भी कोई भी लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो अपने यूजुअल पाथ से या ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट कर जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे कि दो तरह के मीडियम होते हैं, एक रेरर मीडियम होता है, दूसरा डेंसर मीडियम होता है। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? जिसमें भी लाइट की वेलोसिटी या वेव की वेलोसिटी ज्यादा होती है जिस मीडियम में, हम लोग कहते हैं वो रेरर मीडियम है। और उस मीडियम के रिस्पेक्ट में जिस भी मीडियम में आपकी लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का, राइट। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। सपोज ये एक इंसिडेंट रे जो कि आपको दिख रहा है और ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। जिसमें रे पहले ट्रेवल कर रही है उसको हम लोग फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं, जिसमें वो रे रिफ्रैक्ट करेगी उसको हम लोग सेकेंड मीडियम ले लेते हैं, राइट। अब दिस वन इज द नॉर्मल, जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल है, राइट। अब ये इंसिडेंट रे है, दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, पहली बात। दूसरी बात, जो सेकेंड लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है
कि ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ये कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द वेव इन सेकंड मीडियम, दैट मींस साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू बी वन बाय बी टू। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, एक तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पे कि क्या हो रहा है, वी वन यहां पे वी टू से ज्यादा है, इसको हम लोग कहेंगे रेयरर मीडियम, इसको हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम। जब रे ट्रेवल करेगी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो रे विल डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे जो है आपका बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे जो चला जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा। मतलब यहां पे हो गई कि आर की वैल्यू कम होगी आई के रिस्पेक्ट में जो आपको दिख रहा है, दैट मींस जब भी रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो कैसे देखे, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू वी वन बाय वी टू है, यदि वी वन वी टू से ज्यादा हुआ तो आई आर से ज्यादा होगा, बहुत बेसिक बात है, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरे वाले को मैं दिखाता हूं, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, रे जो है मूव कर रही अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका मतलब लाइट रे यहां पे ट्रेवल कर रही है यहां पे, या वेव ट्रेवल कर रही है यहां पे आपका डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये अब रेयरर मीडियम है। इसलिए देखिए यहां पे जो लिखा जाएगा यहां पे साइन आई बाय साइन आर वंस अगेन एक्चुअली वी वन बाय वी टू ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये ट्रेवल कर रही है यहां पे डेंसर से रेयरर मीडियम में तो वी टू की वैल्यू ज्यादा हो गई, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है तो वी टू की वैल्यू ज्यादा हो गई। यदि वी टू यहां पे ज्यादा है तो इसका मतलब साइन आर भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि साइन आई बाय साइन आर होता है वी वन बाय वी टू, यदि वी टू ज्यादा हो गया वी वन से तो साइन आर विल बी ग्रेटर देन साइन आई एंड हेंस आर विल बी ग्रेटर देन आई, राइट। मतलब हो गया यहां पे बेसिक बात कि जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो उस केस में इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब लाइट रे ट्रेवल करेगी यहां पे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लॉ वही रहेगा, साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू वी वन बाय वी टू, राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे डिफाइन करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम व्हिच इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिसकी भी रिफ्रैक्ट इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो हमारा क्या हुआ कि मी वन को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, तो मी वन कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सी डिवाइड बाय वी वन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमेशा वही रहेगा, तो सी बाय वी वन, तो वी वन कितने के इक्वल आ गया, सी बाय मी वन के। वी टू इसी तरह से किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाय मी टू के। इन दोनों को वैल्यू को यहां प्लेस कीजिएगा वी वन वी टू की जगह पे, तो ये आपका रेशियो आ जाता है म्यू टू बाय म्यू वन, दैट मीन साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन। तो लॉ सीधा आपको जो डायरेक्टली कई दफे आएगा, साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द रे विल बी रिफ्रैक्टेड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द रे इज इंसिडेंट, राइट, दैट मीन म्यू टू बाय म्यू वन। जिसको लिखा कैसे जाता है, म्यू टू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन, या तो आप ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें वन म्यू टू, राइट तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, जब भी लाइट रे ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो उस केस में फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करती है, लाइट रे की वही वेव की वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, दोनों मीडियम में एक ही जैसी रहेगी। कई दफे इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वेवलेंथ विल चेंज, वेवलेंथ यहां पे चेंज कर जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, वी वन बाय वी टू विल बी इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, क्योंकि v इक्वल टू f इनटू लैम्डा होता है, तो ff क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे कैंसल आउट, तो v1 by v2 will be equal to lambda 1 by lambda 2 will be equal to mu2 by mu1। इस रिलेशन को ध्यान में रखना, कई दफे में क्वेश्चन आता रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी दे रखी होगी, सपोज ये एयर से वाटर में ट्रेवल किया, एयर में वेवलेंथ दे रखा होगा वाटर में कह देगा निकालने के लिए, तो डायरेक्टली आप ध्यान दीजिए लैम्डा 1 by lambda 2 will be equal to mu2 by mu1। इस रिजल्ट को याद रखना है, इसको यूज करना है, यू विल गेट द वेवलेंथ इन अनदर मीडियम, एक मीडियम में वेवलेंथ दे रखा है दूसरे में आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव भी एक मीडियम में दे रखा होगा दूसरे मीडियम में पता करना है, वो आप पता इससे कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट इंडेक्स दोनों मीडियम की आपको पता होगी, राइट। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे म्यू टू वन, दैट मीन रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन, म्यू टू बाय म्यू वन, वन म्यू टू जब लिखेंगे तो कितना आएगा, म्यू वन बाय म्यू टू आएगा, बहुत ही बेसिक बात है।
रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब इन दोनों को प्रोडक्ट लीजिए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली 1। इसके अंदर म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू विल बी इक्वल टू 1, दैट मीन म्यू टू वन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू वन टू। जैसे रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पता है, तो अब आपको कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, सिंपली 1 के, राइट। दूसरा एक और रिलेशन देखिए जो काफी दफे यूज होगा, म्यू थ्री वन विल बी रिटर्न म्यू थ्री बाई म्यू वन, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, राइट। दिस विल बी इक्वल टू म्यू थ्री बाई म्यू टू इंटू म्यू टू बाई म्यू वन। मैं लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, म्यू टू कैंसल आउट होकर यही दे देगा, म्यू थ्री डिवाइड बाई म्यू टू क्या है, म्यू थ्री टू, म्यू थ्री डिवाइड बाई म्यू टू इट विल बी रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, मतलब म्यू थ्री टू। ये म्यू टू बाई म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, तो म्यू थ्री टू इंटू म्यू टू वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द म्यू थ्री वन। तो ये एक रिजल्ट काफी दफे इसका यूज होता रहता है। जैसे मैं कहा कि म्यू फोर वन इट विल बी इक्वल टू म्यू फोर थ्री इंटू म्यू थ्री टू इंटू म्यू टू वन, राइट। तो ये मैंने अभी आपसे जो बात करा डेट इज द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का अप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्या है कि एक आपका स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू है, जनरली ये स्लैब जो होती है वो ग्लास स्लैब होती है, राइट। तो अब क्या हुआ कि एक और ये पूरा एयर में प्लेस्ड है या किसी भी थ्रू आउट एक ही मीडियम है जिसमें कि इस स्लैब को मैंने प्लेस कर दिया है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो जिस मीडियम में प्लेस्ड है वो एयर है। अब एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट करें, एयर से ये ट्रेवल कर रही है किसी रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू में, जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ग्लास है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब फिर से ये रे रिफ्रैक्ट हो रही है इस सरफेस से जो कि अब रे ट्रेवल कर रही है ग्लास से एयर में, तो नाउ द रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये वाली रे जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो व्हाट इज द नेट डेविएशन, सिंपल सी बात है जीरो। बट पॉइंट यहां पे क्या है, ये वाली रे जो है इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनल रे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हो गई है। इन दो के बीच में, इन दो लाइन के बीच में जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्टेंस PQ आपको दिख रहा है वही आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, जो कि डिराइव करने आ सकता है डायरेक्टली। मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं, डेरिवेशन मैं यहां पर नहीं बताने जा रहा हूं। दिस रिजल्ट इज गिवन बाय पी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। तो आप क्या देख रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो PQ है ये प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब है, T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। जितना ही ज्यादा थिकनेस होगी स्लैब की उतना ही ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगी, एक तो ये बात होगी। I और R क्या है, यहां पे देखिए I यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R यहां पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बट एंड ऑब्वियस है कि यदि ये R होगा तो ये भी R होगा और ये फिर आपका आई हो जाएगा फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, जो कि आप खुद सोच सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ द स्नेल्स लॉ, राइट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, रिफ्रैक्ट इंडेक्स यदि दे रखा है तो बाय अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर। कई दफे क्या होता है कि आई की वैल्यू यहां पे दे रखी होती है, म्यू दे रखा होता है, आर नहीं दे रखा होता है, तो बाय अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन। तो म्यू वन यहां पे एयर है जो कि वन के इक्वल हो गया, म्यू टू यहां पे म्यू के इक्वल है, तो म्यू विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर लिख सकता हूं मैं। इससे मेरे को आर की वैल्यू आ जाएगी, यदि मैं आर की वैल्यू आ गई तो यहां पर मैं आर प्लेस कर दूंगा, टी पता होगा और आई पता होगा, मैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। तो ये एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बात हो गई। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई सारे आते रहते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात इस रिजल्ट को खुद से घर पे जरूर से डिराइव कर लेना, राइट। तो मैं यहां पे आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात कर दिया हूं, ये एप्लीकेशन है बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, यदि रे ट्रेवल करते हैं किसी ग्लास स्लैब के थ्रू या किसी स्लैब के थ्रू, राइट। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब हम लोग यहाँ पे एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नियर नॉर्मल व्यू का या नियर नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे, ये आपका एक ग्लास स्लैब है या कोई भी मीडियम है जिसकी
थिकनेस ले सकते हैं या डेप्थ ले सकते हैं कि रियल डेप्थ इसकी कैपिटल एच के इक्वल है। और सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है राइट, जो कि यहां से डेप्थ एच पे सिचुएटेड है, तो हम लोग इसको कहते हैं रियल डेप्थ। इसकी इमेज जो बनती है, यदि आप एयर से देख रहे हैं या कोई भी ऐसे मीडियम से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिस्पेक्ट में कम है, तब तो इमेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर शिफ्ट कर जाती है, और अदरवाइज इमेज जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर शिफ्ट कर जाती है राइट। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप इस ऑब्जेक्ट को एक ऐसे मीडियम से देख रहे हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिस्पेक्ट में कम है, तब तो ऑब्जेक्ट जो है जिसकी इमेज बनेगी वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर चली जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है बल्कि ये वाली मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज्यादा होती है जिसमें कि ऑब्जर्वर है, तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर चली जाएगी, दैट मीन्स यहां नीचे चला जाएगा। एक पहला पॉइंट राइट। दूसरी बात देखिए, सपोज ये जो है अब एपरेंट डेप्थ स्मॉल एच पे दिख रहा है यहां से, तो इस स्मॉल एच की वैल्यू कितने की इक्वल होगी, कैपिटल एच डिवाइड बाय म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस मीडियम की होगी विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच द ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल एच बाय स्मॉल एच। दैट मीन्स दिस वन इज द रियल डेप्थ और दिस वन इज द एपरेंट डेप्थ, हेंस दिस एपरेंट डेप्थ विल बी गिवन बाय कैपिटल एच बाय म्यू। तो ये हो गया आपका एपरेंट डेप्थ जिसकी वैल्यू जो होगी कैपिटल एच डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब या जो भी आपका मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड राइट। इस चीज को हम लोग कहते हैं एपरेंट शिफ्ट। देख लीजिए यहां पे, इसको कहते हैं एपरेंट शिफ्ट जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल एच माइनस एच के। दैट मींस दिस वन कैपिटल एच रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, इसकी वैल्यू जब यहां प्लेस कीजिएगा तो इट विल कम आउट एच इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप यूज करेंगे कि एपरेंट शिफ्ट कैपिटल एच इंटू वन माइनस वन बाय म्यू के इक्वल होता है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दिस मीडियम With respect to the medium in which the observer is placed, right? ये ध्यान में रखना। ये formula near normal incidence के लिए valid है, otherwise oblique incidence के लिए valid नहीं है। अब एक point जो बहुत important है, जो आपका CBSE के paper में भी पूछा जा सकता है और NCERT ने भी question दे रखा है कि यदि आप oblique incidence से देखते हैं, that means suppose यहाँ object और यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या ये वाली जो आपकी h की value है वो यही रहेगी या चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाती है और डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है, जो कि आप खुद कन्विंस कर सकते हैं अपने आप को बाय ड्राइंग द रे डायग्राम। हालांकि इसको डिराइव भी किया जाता है बट मैं यहां पे नहीं जा रहा हूं, डायरेक्टली आप रिजल्ट को ध्यान में रखें कि द एपरेंट डेप्थ फॉर ऑब्लिक व्यू डिक्रीजेज फ्रॉम इट्स नियर नॉर्मल व्यू। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यदि मान लो कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख यहां से रहे हैं, तो आपकी ये जो वैल्यू होगी, अब ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज कर जाती है राइट। मतलब हो गया कि आपकी एपरेंट डेप्थ जो है वो चेंज कर जाएगी और वो एपरेंट डेप्थ घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है, एज कंपेयर टू व्हेन इट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम नियर नॉर्मल व्यू। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब भी रे ट्रेवल करती है फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब देखते हैं हम लोग, सपोज ये एक डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आर की वैल्यू आई के मुकाबले ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे आई की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो स्नेल्स लॉ से आर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। एक ऐसा आई का वैल्यू आएगा जिसके ऊपर आर की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाती है, इसी आई को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए राइट। अब देखिए यहां पे, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी तो वो रे उसी मीडियम में लौट के आ जाती है, बिल्कुल जो आपका कॉन्सेप्ट
रिफ्लेक्शन का लगता है वही यहां पे भी अब यहां लग जाएगा. दैट मीन्स ये आई होगा तो ये भी एंगल आई होगा. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या हो गया कि जब भी रे ट्रेवल करेगी फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. दूसरी बात यहां पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगी तब हम लोग कहेंगे कि टी आई आर उसका उस रे का हो जाता है. राइट. अब हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं जो काफी दफे यूज होगा आपको कई दफे प्रॉब्लम में. तो देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल यदि आप निकालना चाहते हैं तो यू हैव टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ. तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. तो आई की वैल्यू सी के इक्वल हो गई, आर की वैल्यू पाई बाय टू हो गई. तो साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम म्यू टू बाय म्यू वन. चूंकि ये साइन 91 के इक्वल होता है तो साइन सी म्यू टू बाई म्यून हो गया. डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखना, आपको कई दफे इसका यूज करना पड़ सकता है या छोटे छोटे प्रॉब्लम आ जाते हैं. म्यू वन म्यू टू की वैल्यू आपको दे रखी होगी, वहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है. राइट. तो साइन सी विल बी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन. सपोज म्यू टू दैट मीन्स जो रेयर मीडियम है वो आपका यहाँ पे एयर हो जाए तो उस केस में म्यू टू की वैल्यू 1 हो जाएगी. और डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज यहां पे आपका म्यू हो जाए तो साइन सी विल बी रिटन एज सिंपली 1 बाय म्यू, जो डायरेक्टली कई दफे यूज होता रहेगा. तो डायरेक्टली आप ध्यान में रखें क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू. तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट टीआईआर का बता दिया. दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे ये है कि कॉची रिलेशन होती है. कॉची रिलेशन क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंस वेवलेंथ पे, जो कि होता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर. मैं लिख भी देता हूं इसे. तो ये कहलाता है कॉची रिलेशन. ये बताता है डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द वेवलेंथ. हालांकि आगे के भी कई टर्म्स होते हैं, मैं उस टर्म को निग्लेक्ट कर दिया हूं, मोस्ट ऑफ द जगह पे निग्लेक्ट कर दिया जाता है. तो म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर होता है. दिस वन इज द कॉची रिलेशन. ए और बी की वैल्यू मीडियम पे डिपेंडेंट होते हैं जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं हम लोग. नेक्स्ट सबसे बड़ी बात क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंडेंट है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेवलेंथ जितना ही ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा. ध्यान दीजिए यहां पे वेवलेंथ ऑफ द लाइट जितना ज्यादा होगा तो उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की उतनी ही कम होगी. इस रिलेशन को ध्यान में रखना है. तो आप देखें यहां पे हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है. तो रेड लाइट की वेवलेंथ यदि सबसे ज्यादा है तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे कम आएगी. तो ये ध्यान में रखना है कि लैम्डा जितना ज्यादा म्यू उतना ही कम उस पर्टिकुलर लाइट के लिए. राइट. तो उसके बेसिस पे क्रिटिकल एंगल के ऊपर कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ पे डिपेंड करता है नहीं करता है. तो ऑब्वियस बात है क्रिटिकल एंगल जो किसी भी मीडियम के लिए होगा वो हमारा जो है यहाँ पे वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होगा. साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू. तो हमें ये पता है कि लैम्डा जितना ज्यादा म्यू उतना कम. अब म्यू जितना कम होगा तो साइन सी उतना ही ज्यादा होगा बिकॉज साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू है. तो लैम्डा ज्यादा म्यू कम एंड सी ज्यादा. तो ये ध्यान में रखना है. तो मैं लिख देता हूं इसे लैम्डा ज्यादा ये म्यू आपका कम कॉची रिलेशन से. अब म्यू कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी. इसका मतलब हो गया कि रेड लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगी. अब वायलेट लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगी. इस बात को ध्यान में रखना, काफी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कई दफे इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता रहता है. राइट. अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं. अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करने जा रहे हैं. और ये देखते हैं कुछ एप्लीकेशन. एक तो आपका मिराज, मिराज जो होता है इट इज ड्यू टू टी आई आर. एक तो ध्यान में रखना है. डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी देख लीजिए. दूसरा ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है. इसमें क्या है कि ये एक प्रिज्म है जिसमें कि आइसोसेलस राइट एंगल प्रिज्म है. देखिए यहाँ पे ये रे एक इंसिडेंट करी और यहां से इस फेस से इसका टी आई आर हो रहा है जो आपको दिख रहा है. राइट. ये एंगल 45 डिग्री है तो ऑब्वियस बात है ये भी एंगल 45 डिग्री होगी क्योंकि ये आपकी 90 डिग्री. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा इट विल बी 45 डिग्री. ऐसा क्यों? ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा. दिख रहा है आपको? अब यहां पे ये चूंकि नॉर्मल है तो यहां से लेके यहां तक कितना बेसिकली 90 डिग्री. तो ये कितना एंगल हो गया? 45 डिग्री. इसका मतलब यदि रे ये वाली यहां पे टीआईआर कर रही है तो डेफिनेटली ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है वो डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा बिकॉज द कंडीशन इज आई ग्रेटर देन इक्वल टू सी.
तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, दिस 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, राइट। अब देखिए साइन 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, बेसिक बात है, राइट। साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2, साइन सी आपको पता ही कि 1 बाय म्यू के इक्वल होता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रिज्म एयर में प्लेस्ड है और म्यू इसकी प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट। तो साइन सी 1 बाय म्यू के इक्वल होता है। जब इस इनइक्वालिटी को ध्यान से सॉल्व करेंगे तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेटली इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होनी चाहिए, यदि यहाँ पे ये वाली रे यहाँ से TIR कर रही है तो रूट 2 से ज्यादा होनी चाहिए। काफी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको जरूर से ध्यान रखना। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको ये दे रखा हो, कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आप प्रिज्म बता दीजिए उसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, रूट 2 के इक्वल होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन समझा दिया TIR का। नेक्स्ट अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर में TIR का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जो कि अब डिटेल जो है डेफिनेटली NCERT से पढ़ लेना। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस एंड लेंस के बारे में, जो बहुत ही। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ये वाला है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से डिराइव कर लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें हैं, ये पहली बात पैराक्सियल रेंज के लिए वैलिड है, ये बात ध्यान में रखना, अदरवाइज ये फॉर्मुला वैलिड नहीं है, तो इसकी लिमिटेशन यही है। U इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। V विल बी द इमेज डिस्टेंस, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस, और कह सकते हैं हम लोग स्फेरिकल सरफेस जिससे कि रे रिफ्रैक्ट करेगा, राइट। म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे पहले ट्रेवल कर रही थी, या म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम की जिसमें बाद में रे एंटर करेगी रिफ्रैक्ट करके, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि ये एक इस तरह का आपका ग्लास स्लैब है और ये कर्व्ड है, स्फेरिकल ग्लास स्लैब है, ये वाला कर्व्ड पार्ट है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर प्रॉब्लम में दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ग्लास है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। एक ऑब्जेक्ट है जो एयर में प्लेस्ड है और ये यहां से 100 सेंटीमीटर पे है। ऑब्वियस सी बात है, रे ऐसे इंसिडेंट करेगा। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए मैं इस पॉइंट से इधर जाऊंगा जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यू विल बी रिटेन एज -100 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक बात है। दूसरी बात देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, चूंकि ऐसा कर्व है तो बताइए रेडियस सेंटर इसकी किधर लाई करेगी, इस साइड लाई करेगी। यदि ऐसा होता तो सेंटर इधर को लाई करती, तो रेडियस ऑफ मेजर करने के लिए इधर को जाते, लेकिन सेंटर कहीं यहां पे होगी जो कि इधर जाएंगे मेजर करने के लिए इस पॉइंट से। तो जब जाएंगे तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इट विल बी पॉजिटिव, तो आर विल बी इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, राइट। जिस मीडियम में पहले रे ट्रेवल कर रहा था वो क्या है, एयर है। रे किसमें रिफ्रैक्ट कर रहा है यहां पे, इस पॉइंट पे एयर से ग्लास, तो म्यू वन विल बी 1 बिकॉज द रे इज रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट्स व्हाई म्यू वन विल बी इक्वल टू वन, म्यू टू विल बी इक्वल टू 1.5। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में डायरेक्टली प्लेस कीजिए। तो यहां पे देखिए म्यू टू की जगह पे 1.5, म्यू वन की जगह पे 1, वी मुझे निकालना है इमेज डिस्टेंस तो वी रहेगा यहां पे, U की जगह पे -100, फिर इसी तरीके से यहां पे प्लेस करेंगे सारी वैल्यू तो ये आ गया, कैलकुलेट करेंगे तो वी विल कम आउट +100 सेंटीमीटर। मतलब हो गया कि इमेज जो है +100 सेंटीमीटर का मतलब है कि इधर कहीं बनेगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे डिस्टेंस मेजर होगा, तो यहां से इधर कहीं जाकर के 100 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर नहीं आता है बोर्ड के पेपर में, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, इस फॉर्मूले को डिराइव जरूर से कर लेना। लिमिटेशन ध्यान में रखना कि यहाँ पे ये पैराक्सियल रेंज के लिए वैलिड है, और दूसरी बात यहाँ पे ये कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
राइट। अब हम लोग यहाँ पे इसी को अप्लाई करके जो आपका थिन लेंस का फोकल लेंथ निकाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पे काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपका थिन लेंस का फोकल लेंथ है, जिसको हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो दिस वन इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। पावर ऑफ द लेंस विल बी इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा, पावर ऑफ द लेंस भी, पावर ऑफ द लेंस उतना ही कम होगा। तो p इक्वल टू 1/f विल बी इक्वल टू 1μ2 - 1 × 1/r1 - 1/r2। ये ध्यान रखना है, काफी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी आता है, इसको जरूर से कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करूंगा। तो पहली बात हम लोग ये कर लेते हैं कि पावर ऑफ द लेंस जो लिखा जाता है वो डायोप्टर में लिखा जाता है, कैसे, 100/f इन सेंटीमीटर। तो ये ध्यान में रखना, पावर ऑफ द लेंस आपको निकालने के लिए दिया जा सकता है। यदि फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है, तो डायोप्टर में क्या होगा, 100/20, दैट मींस पावर विल बी इक्वल टू 5d। यदि फोकल लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द बेसिकली पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर, इट विल बी 2d। यदि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मान लो -50 सेंटीमीटर है, तो -2d। तो डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। 1μ2 यहाँ पे जो है μ2/μ1 लिखा जाएगा। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस है, जिस भी मटेरियल से वो लेंस बना हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें वो प्लेस्ड है। ये फॉर्मूले के अंदर हमने जो थिन लेंस ले रखा है, चारों तरफ जो मीडियम है वो एक जैसी है। लेंस जिस भी मीडियम में प्लेस्ड है उस चारों तरफ एक जैसी है। डेट मीन्स यदि मैंने वाटर में डाला हुआ है, तो चारों तरफ वाटर ही है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ एयर है, दूसरी तरफ वाटर है। यदि ऐसा हो जाए तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि सपोज मैं अब एक थिन लेंस लेता हूं, और थिन लेंस का मतलब क्या है, जिसकी थिकनेस काफी कम है। ये जो मैं चश्मा पहना हूं, इसे देखिए, ये थिन लेंस है। ये जो चश्मा मैं पहना हुआ हूं ना, ये थिन लेंस कहा जाएगा। इसकी थिकनेस काफी काफी कम है। अब इसकी सपोज मैं इस तरह की लेंस की फोकल लेंथ निकालना चाहूं इस फॉर्मूले का यूज करके, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए, ये एक लेंस है, इस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, राइट। और इसको मैंने वाटर में डाल रखा है, चारों तरफ वाटर है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इस वाले पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, इसकी 20 सेंटीमीटर है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे तो क्या लिखेंगे आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी 4/3, जिसमें कि पूरा लेंस प्लेस्ड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस 1.5, ये हमने लिख दिया μ2 1.5। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है ना बच्चों को या स्टूडेंट्स को, R1 R2 लेने में आती है। अब ध्यान दीजिए, R1 R2 का की पॉइंट्स क्या है। आप क्या करेंगे, किसी भी फेस पे, चाहे इस फेस पे रे को इंसिडेंट करा दें, चाहे इस फेस पे रे को इंसिडेंट करा दें, राइट। जिस भी फेस पे पहले आप रे को इंसिडेंट कराएंगे, वो हमेशा R1 का काम करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि मैं यहाँ पे इस फेस पे रे को इंसिडेंट कराया हूं, तो ये वाला फेस मेरे लिए R1 का काम करेगा, ये वाला फेस R2 का काम करेगा। यदि सपोज ऐसा होता कि मैं पहले रे इस पे इंसिडेंट कराया होता, तब ये वाला फेस मेरे लिए R1 का काम करता और ये वाला फेस R2 का काम करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब यहाँ पे किसी भी तरीके से लेके काम करेंगे तो फोकल लेंथ विल कम आउट सेम। वो मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूं कि इस फेस पे रे को इंसिडेंट करा देता हूं। यदि मैं इस फेस पे रे को इंसिडेंट कराया हूं, तो मेरे लिए R1 ये वाला होगा और ये वाला R2 होगा। अब देखिए इसकी कर्वेचर किधर है, इस साइड है, तो रेडियस आप जाएंगे इधर मेजर करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, तो आप इधर ही जा रहे हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए R1 को। तो अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन R1 विल बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई R1 विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए, ये वाला फेस आपका जो है R2 का काम कर रहा है, ये वाला फेस इधर को डायरेक्टेड है। देखिए ध्यान से, इधर को डायरेक्टेड, इसका कर्वेचर मेरे साइड को डायरेक्टेड है, तो सेंटर इधर ही होगी। तो मैं रेडियस जाऊंगा इधर मेजर करने के लिए, जो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे जा रहा हूं मैं यह करने के लिए, तो R2 विल बी नेगेटिव, तो R2 विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। R1, R2, μ1, μ1 एंड μ2 की वैल्यू यहां प्लेस कर दीजिएगा। μ1, μ2, R1 एंड R2 की वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूले में प्लेस कीजिए, तो क्या आएगा,
1.5 डिवाइड बाय 4 बाय 3 माइनस 1, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय माइनस 20. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 160 बाय 3 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव आ रहा है. जब भी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो जो आपका लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है. यदि फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस है. नॉर्मली कन्वर्जिंग लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं. यदि कोई भी कन्वर्जिंग लेंस एयर में है तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं. तो मेन पॉइंट यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस को ध्यान में रखना है. कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस विल बी द कॉनकेव लेंस, राइट. तो ये बोलते हैं हम लोग. तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे फोकल लेंथ निकाला है. अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सपोज मैं यहाँ पे इसी की फोकल लेंथ ऐसे निकालता कि इधर रे डाल के, तब क्या होता. देखिए अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को जो कि हमने एक थिन लेंस लिया था उसको हमने वाटर में प्लेस कर दिया था, उसकी फोकल लेंथ एक और तरीके से निकालते हैं. सपोज मैंने अब रे इस सरफेस पे इंसिडेंट कर दिया जो 20 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट. अब जैसा कि मैंने अभी क्या बात किया था कि बात यह हुई थी कि जिसके ऊपर भी पहले रे इंसिडेंट करेंगे हमेशा आर वन का काम करेगा और दूसरा वाला फेस जो है वो आर टू का काम करेगा. तो देखिए अब यहाँ पे यदि ये आपका आर वन का काम करेगा तो देखिए अब इसकी जो कर्वेचर है वो इस साइड को डायरेक्टेड है जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे रेडियस होगी. समझ रहे होंगे बात मेरी. तो आर वन क्या हो जाएगा, प्लस 20. ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं करना आप यहां पे. मैंने क्या बात करा है, बात ये करा है कि रे जिसके ऊपर भी जिस फेस पे रे को आप पहले इंसिडेंट कराएंगे हमेशा वो पहला R1 का काम करेगा, दूसरा वाला R2 का काम करेगा, राइट. ये ध्यान में रखना है. तो चूंकि अब पहले मैं 20 सेंटीमीटर वाले पे रे इंसिडेंट करा रहा हूं तो ये वाला मेरे लिए अब R1 का काम करेगा. चूंकि इसके फेस ऐसे है तो R1 इधर जाएंगे मेजर करने के लिए जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है. तो R1 विल बी टेकन एज प्लस 20. बहुत ही सिंपल सी बात है. तो R2 ये चूंकि इधर को डायरेक्टेड तो R2 विल बी रिटर्न एज माइनस 10. क्यों, क्योंकि इधर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी मेजरमेंट की जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है. तो R2 विल बी माइनस 10. म्यू वन और म्यू टू वही रहेगा. म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो कि 4 बाय 3 है, वाटर में डाला हुआ था. म्यू टू मटेरियल की जो कि 1.5 है. प्लेस कीजिए सारी वैल्यू तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट क्योंकि 1.5 बाय 4 बाय 3 माइनस 1 वो वही रहेगा. यहां पे R1 की जगह आपका आ जाएगा प्लस 20, R2 की जगह पे माइनस 10. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 10. यहां पे 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20 आ रहा है. कैलकुलेट करने के बाद 160 बाई 3 सेंटीमीटर, ये भी 160 बाई 3 सेंटीमीटर. बहुत ही आसान है. तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैसे निकाला जा सकता है. मोस्ट फंडामेंटल बात है ये. साथ में इसका कर देगा पावर निकालने के लिए डायरेक्टर में. तो यहां पे 160 बाई 3 यहां पे प्लेस कर दीजिएगा, यू विल गेट द पावर इन डायोप्टर, राइट. तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि थिन लेंस का यूज करके, थिन लेंस का फोकल लेंथ हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं. अब हम लोग इसकी और फर्दर एप्लीकेशन देखते हैं. यहाँ पे फर्दर एप्लीकेशन करने जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है. दो तरह के लेंस होते हैं आपके, एक तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कॉन्केव लेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं या इनफैक्ट कहें कि मॉडर्न नेम कन्वर्जिंग लेंस होती है, डाइवर्जिंग लेंस होती है. कोई भी लेंस की यदि फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है तो हम लोग कहते हैं उसे कन्वर्जिंग लेंस, यदि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस. अब देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में एक वर्ड आता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सर्फेसेस की सेम होगी, तो आप समझ लीजिए कि वो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. इन द सिमिलर वे इक्वी कॉन्केव लेंस जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की इक्वल होनी चाहिए, राइट. समटाइम्स कई दफे बाय कन्वेक्स लेंस भी यूज होता है इन प्लेस ऑफ द इक्वी कन्वेक्स लेंस. तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, इसकी फोकल लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं. ये पूरा का पूरा लेंस जो है एयर में प्लेस्ड है, इसलिए हम लोग म्यू वन की वैल्यू हमने ले लिया है 1 और इस मटेरियल जिससे कि लेंस बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू है, राइट. अब फिर से उसी तरीके से देखेंगे, पहले मैं इस पे रे इंसिडेंट करा दिया हूं तो ये मेरा पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया. ऑब्वियस सी बात है इधर जा रहे हैं रेडियस को मेजर करने के लिए, तो आर वन प्लस आर आर टू इधर चूंकि इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने जाएंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो R2 विल बी माइनस R. ये सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कीजिए. म्यू टू की जगह पे म्यू डालिए, म्यू वन की जगह पे 1 डालिए क्योंकि 1 म्यू टू होता है, म्यू टू बाय म्यू वन.
आर वन की जगह पे प्लस आर डालिए, आर टू की जगह पे माइनस आर डालिए, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद आता है आर अपॉन टू म्यू माइनस वन। इस रिजल्ट को याद रखते हैं तो डायरेक्टली कई क्वेश्चन आप वहां तो कर सकते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, उसकी रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.5 के इक्वल है, तो फोकल लेंथ बता दीजिए। तो बहुत ही आसान है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1, इट विल कम आउट 1, because 1.5 minus 1 will give 0.5 into 2, that will give 1, a radius of curvature r। इसका मतलब हो गया कि focal length आपका radius of curvature के इक्वल आ गया। अब इस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हैं कि सपोज जब भी आपकी म्यू की वैल्यू 1.5 आ जाए, 1 म्यू 2 की वैल्यू 1.5 आ जाए और इक्वी कन्वेक्स लेंस हो, तो हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आता है, राइट। दूसरा, अब यहां देखिए इक्वी कनकेव लेंस, इसमें भी देखिए पूरा का पूरा लेंस एयर में प्लेस्ड है, तो म्यू 1 की वैल्यू मैंने 1 रख दी है, म्यू 2 की वैल्यू मैंने 1 म्यू ले लिया क्योंकि मटेरियल के रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू के इक्वल है। आर 1 अब देखिए ऐसा है, तो आर 1 अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, क्योंकि पहले मैंने इस पर इंसिडेंट रे कराया है तो इसलिए ये वाला सरफेस हमारा आर वन का काम करेगा, तो आर वन माइनस आर के इक्वल, आर टू प्लस आर के इक्वल, क्योंकि इधर जाएंगे मेजर करने के लिए आर टू के लिए, राइट। तो आर वन माइनस आर, आर टू प्लस आर, म्यू वन वन, म्यू टू म्यू, तो जब प्लेस करेंगे तो म्यू माइनस वन आ जाएगा, वन म्यू टू माइनस वन की जगह पे, आर वन की जगह पे माइनस आर तो माइनस वन बाय आर, माइनस आर टू की जगह पे प्लस आर तो माइनस वन बाय आर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट एफ इक्वल टू माइनस आर अपॉन टू म्यू माइनस वन। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है हमेशा ही एयर में जब भी होगा, तो डाइवर्जिंग लेंस है एक तरह से और ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, राइट। तो ये मैंने फर्दर एप्लीकेशन डिस्कस किया है आपका थिन लेंस के फॉर्मूले के ऊपर, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस और हम लोग कहें लेंस मेकर फॉर्मूला। अब और देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन इसके ऊपर हो सकते हैं। अब देखिए अगले टाइप ऑफ लेंस में हम लोग कई दफे प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। तो देखिए ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका एक पार्ट का या एक फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होगा, ये प्लेन सरफेस है, अब प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होती है और ये वाला फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसी तरीके से म्यू वन जिसमें प्लेस्ड है पूरा मीडियम, सराउंडिंग मीडियम वो एयर है, तो म्यू वन मैंने वन ले लिया, म्यू टू की वैल्यू मैंने म्यू ले लिया जिससे कि बना हुआ है, आर वन विल बी प्लस आर क्योंकि पहला वाला ये सरफेस है, तो आर वन विल बी प्लस आर, आर टू विल बी इक्वल टू, कई लोग प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, जो मन करे लिख दीजिए क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू तो जीरो ही होती है, तो जैसा मन करे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आर टू विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले फेस की इन्फिनिटी है। अब सारी वैल्यू यहाँ प्लेस कीजिएगा तो फोकल लेंथ आर अपॉन म्यू माइनस वन आ जाएगा, राइट। तो फोकल लेंथ ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विल बी गिवन बाय आर अपॉन म्यू माइनस वन। इसी तरीके से प्लेनो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ माइनस आर अपॉन म्यू माइनस वन होती है, सिमिलर वे में आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आपको कह दिया जाएगा ये लेंस दे रखा होगा, साथ में आपको कह दिया जाएगा कि भाई कि आप पावर ऑफ द लेंस भी बता दीजिए, तो पावर ऑफ द लेंस डेप्थ में मैंने पहले ही बता रखा है कि 100 डिवाइडेड एफ इन सेंटीमीटर, दैट विल कम आउट द पावर इन डायप्टर, जो कि आप उसका यूज करके डायरेक्टली पावर ऑफ द लेंस निकाल सकते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे पावर ऑफ द लेंस का फिजिकल मीनिंग समझेंगे और इसका रिलेशन फोकल लेंथ के साथ जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं तीन फिगर बना रखा हूं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ये सिस्टम आप देख रहे हैं, ये मैंने जस्ट एक बना रखा है कि कोई कन्वर्जिंग लेंस हो सकता है या डाइवर्जिंग लेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये पैरेलल रे आई, आफ्टर सम टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह जो भी हुआ उसके बाद में पैरेलल ही निकल गई। आप ये पहले समझें कि पावर ऑफ द लेंस का मतलब क्या होता है। पावर ऑफ द लेंस का मतलब होता है कि आप उस तरह का सिस्टम जो है पैरेलल रे को किस हद तक कन्वर्ज करा पाता है या किस हद तक डाइवर्ज करा पाता है। आप यहां पे देखेंगे कि ये वाला जो सिस्टम है इस पैरेलल रे को ना तो कन्वर्ज करा पा रहा है ना डाइवर्ज करा पा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इस सिस्टम की पावर सिंपली जीरो है। कि जहां पे भी ऐसा रे डायग्राम देख लेंगे तो हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे पावर ऑफ दिस लेंस, वॉट एवर बी द लेंस, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, तो ऐसे सिस्टम की पावर जीरो है। अब पावर ऑफ द लेंस कब जीरो हो सकती है, ध्यान दीजिए, पावर ऑफ द लेंस तब जीरो हो सकती है जबकि जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है मैंने पूरा का पूरा उसी तरह के मीडियम में डाल दिया है। दैट मीन्स मान लो कि आपका एक लेंस जो है, जैसे ये वाला लेंस देख रहे हैं ग्लास का बना हुआ है, मैं ग्लास में ही डाल दिया, राइट। तो क्या हो जाएगा,
सिंपल सी बात है, अब ग्लास लेंस ग्लास के अंदर ही मटेरियल चारों तरफ, मीडियम चारों तरफ ग्लास ही है और मटेरियल भी लेंस का ग्लास ही है, तो क्या होगा, वन म्यू टू माइनस वन, तो म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू भी म्यू और म्यू वन भी म्यू, तो म्यू बाई म्यू इज वन, वन माइनस वन इज जीरो, इसका मतलब पावर सिंपली जीरो आ गई। तो इसका दूसरा मतलब यही हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे कि यदि आपने जिस भी मटेरियल का लेंस बना हुआ है और हमने उसी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया है तो ऐसे सिस्टम का पावर सिंपली जीरो हो जाएगा। तो इसके ऊपर कई दफे क्वेश्चन आता रहता है कि सपोज कहा जाएगा कि ये एक लेंस है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का बना हुआ है, मैंने एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसकी वजह से एक पैरेलल रे पैरेलल ही निकल गई है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो ये सिंपली 1.5 ही होगा, वही होगा जो लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट। ऐसे क्वेश्चन कई दफे आते रहते हैं, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा, जरूरी नहीं कि इसी वजह से केवल जो है पावर ऑफ द लेंस जीरो हो सकती है, और भी वजह हो सकते हैं पावर ऑफ द लेंस जीरो होने के, और वो वजह हो सकती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि मैं आपको बताऊंगा भी कि किस सिचुएशन में और पावर ऑफ द लेंस जीरो हो सकता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि ये सिस्टम जो है पैरेलल रे को कन्वर्ज कर रहा है, ये वाला भी सिस्टम पैरेलल रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब मुझे बताइए किस सिस्टम की पैरेलल रे को कन्वर्ज कराने की ज्यादा कैपेसिटी है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की, सिंपल सी बात है ऊपर वाले की है, तो इसकी पावर ज्यादा है इसकी पावर कम है। अब वैसे भी देख लीजिए, ये फोकल लेंथ इसकी एफ वन ले लिया, इसकी फोकल लेंथ एफ टू, तो ऑब्वियस बात है एफ टू ज्यादा यहां पर, क्योंकि फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, पैरेलल रेज को जिस पॉइंट पे वो इमेज बना दे सिस्टम, वो पॉइंट कहलाता है उसका फोकस, तो ये पॉइंट इसका फोकस है इस लेंस का, ये वाला पॉइंट इसका फोकस है, और ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है, तो ये फोकल लेंथ कम है, ये फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम, तो इसकी सिस्टम की पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन कई दफे आते रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर कैसे वर्कआउट करेंगे, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट और फर्दर एप्लीकेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला का, और देखते हैं यहाँ पे हमने अब इस तरह का लेंस ले रखा है, देखिए ध्यान से, राइट, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है। अब इस लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं, देखिए ध्यान से, और साथ में पावर भी निकालेंगे। जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू है, तो म्यू टू म्यू के इक्वल, जिस मीडियम में रख दिया उसके रिफ्रैक्ट इंडेक्स वन है, राइट, तो म्यू वन वन के इक्वल, म्यू टू म्यू के इक्वल। अब देखिए, पहले रे मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, तो ये मेरा पहला सरफेस है, ये वाला दूसरा सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है रेडियस इधर जाएंगे मेजर करने के लिए, तो आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट। आर टू की वैल्यू कितनी होगी, आर टू की वैल्यू भी माइनस आर होगी, तो R1 भी माइनस आर, R2 भी माइनस आर, ये सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कीजिए, तो यू विल गेट म्यू माइनस वन, माइनस वन बाय आर, क्योंकि R1 की जगह माइनस आर, माइनस वन अपॉन माइनस आर, R2 की जगह माइनस आर, व्हाट इट विल गिव, सिंपली जीरो, तो वन बाय एफ की वैल्यू क्या आ गई, जीरो हो गई, पावर ऑफ द लेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पावर ऑफ द लेंस जीरो होने की यह भी वजह हो सकती है कि जब इस तरह का लेंस हो तो इसकी पावर जो होती है इस लेंस की वो जीरो के इक्वल होती है, मतलब हो गया कि यदि पैरेलल रे इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा तो पैरेलल ही निकल जाएगा। इस तरह का लेंस कहाँ यूज होता है, ये इस तरह का लेंस यहाँ पे सन गॉगल्स, गॉगल्स जो आप देखते हैं, सन ग्लासेस जो है, उसमें इसी तरह के लेंस को यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो सन गॉगल्स है आप देखेंगे ध्यान से, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाले पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फेस और इसका फेस सेम साइड पे है, राइट, बिल्कुल आपको दिखेगा, ये देखिए बिल्कुल इस तरह का, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बेसिकली इधर ही डायरेक्टेड है, राइट, दोनों की सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइड है और साथ में दोनों की रेडियस भी इक्वल है। तो इस तरह का सिस्टम हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे सन गॉगल्स में, गॉगल्स में यूज किया जाता है, जिसको हम लोग सन ग्लासेस भी कहते हैं, सन गॉगल्स भी कहते हैं। जैसे रेमैन का जो चश्मा होता है उसमें जो आप देखेंगे ध्यान से, तो उसका जो लेंस होता है वो बेसिकली उसकी पावर क्या होती है, जीरो होती है, राइट। तो हमने यहाँ पे ये देखा है, तो इसका एप्लीकेशन हमने फर्दर जो है थिन लेंस का जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया। तो कई सारे एप्लीकेशन हमने अब तक लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर देख लिया है। मेरे ख्याल से आपको लेंस मेकर फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इसको
अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेंसेस इन कॉन्टैक्ट है। आप देख रहे हैं कि ये दो लेंस आपस में कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस एक कॉन्केव लेंस कॉन्टैक्ट में हो, तो कई सारे लेंसेस कॉन्टैक्ट में यदि होंगे तो नेट फोकल लेंथ या इफेक्टिव फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 1 बाय एफ विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ 1 प्लस 1 बाय एफ 2 प्लस 1 बाय एफ 3 प्लस 1 बाय एफ 4 एंड सो ऑन, राइट। ये हम लोग अप्लाई करेंगे। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम भी इसके ऊपर देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे दो लेंसेस कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला लेंस कन्वर्जिंग लेंस है या कन्वेक्स लेंस है और ये वाला डाइवर्जिंग लेंस है या कॉन्केव लेंस है। ये दोनों कॉन्टैक्ट में, इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए यही फॉर्मुला यूज करेंगे, साथ में साइन कन्वेंशन ये यूज करेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव लेंगे, राइट। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो एफ वन विल बी रिटेंस प्लस 10 सेंटीमीटर, ये वाली फोकल लेंथ क्योंकि डाइवर्जिंग है तो ये फोकल लेंथ निगेटिव होगी तो एफ टू विल बी इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्लस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस 5 सेंटीमीटर प्लेस कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो एफ विल कम आउट माइनस 10 सेंटीमीटर। मतलब हो गया कि इस सिस्टम की इफेक्टिव फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर आई है, मतलब यहाँ पे ये पूरा सिस्टम एक तरह से डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है या कहीं कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब वो आंख पे ये हो गया, यदि आप पैरेलल रे के ऊपर इंसिडेंट कराएंगे तो फाइनली वो रे जो है डाइवर्ज होके बाहर को निकलेगी, राइट। तो मैं रे डायग्राम आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे रे डायग्राम, यदि रे इस तरह से पैरेलल रे हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करा दिया तो फाइनली जो रे आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो बाहर निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी जो कि डाइवर्जिंग रे है और फोकल लेंथ इस पूरे सिस्टम की माइनस 10 सेंटीमीटर बनेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लेंसेस इन कॉन्टैक्ट के ऊपर बात किया है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रिज्म के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपका बार बार इसका यूज होगा। दिस वन इज द प्रिज्म, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन इज द इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन है। अब ये रे रिफ्रैक्ट करी है, दिस वन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन। इस फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैं डिनोट किया आर टू से, राइट। मतलब ये ना समझना कि यहाँ पे आर टू का मतलब केवल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होता है। इस पॉइंट पे जब रे ये इंसिडेंट करी है और ये नॉर्मल है तो उसके साथ नॉर्मल के साथ जो ये रे बना रही है एंगल उसको मैं डिनोट किया आर टू से, तो आर टू ही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है, राइट। दिस वन द आई टू जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट, और इस आई टू को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस भी, राइट। तो आई टू इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमरजेंस, आई वन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इन दो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होता है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट फेस एंड द इमरजेंट फेस, राइट। दिस वन इज कॉल्ड द इंसिडेंट फेस ऑफ द प्रिज्म, दिस वन इज कॉल्ड द इमरजेंट फेस ऑफ द प्रिज्म। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसका ऑल्टरनेट नेम कई दफे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी दिया जाता है। बाय ज्योमेट्री ए की वैल्यू आर वन प्लस आर टू के इक्वल होती है, जो आप देख लेना, राइट। और डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ध्यान दीजिए, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इमरजेंट रे है। जब आप इस इमरजेंट को आप पीछे ले जाएंगे रे को, इस इमरजेंट रे को जब यहां पे ले जाएंगे पीछे थोड़ा करेंगे डॉटेड लाइन से, तो ये जो एंगल बन रही है दोनों लाइन के बीच में वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। तो डेल्टा हो गया, जिसकी ज्योमेट्री से वैल्यू आती है आई वन प्लस आई टू माइनस ए, राइट। अब ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन आई वन पे डिपेंडेंट है, जिसका ग्राफ कई दफे पूछा जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस आई वन का ग्राफ ये बनता है। आप क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सबसे कम है, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा मिनिमम, जिसको मैं डिनोट करूंगा डेल्टा एम से। तो ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन जो है बाय द प्रिज्म वो सबसे कम होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। और ये कंडीशन डिराइव किया जाता है कि यदि मिनिमम डेविएशन आपको लेके आना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में इक्वल होना काफी जरूरी है। तो आई वन विल बी इक्वल टू आई टू, राइट। यदि आई वन आई टू इक्वल हो जाए
तो उस केस में R1 R2 भी आपस में इक्वल होगा फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, ये प्रूफ किया जा सकता है। तो R1 इक्वल टू R2 हो गया जी, R1 प्लस R2 चूंकि एक इक्वल है तो 2R1 एक इक्वल, कब, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो। तो 2R1 एक इक्वल हो गई तो R1 किसके इक्वल हो गई, a बाय 2 के। तो R1 R2 विल बी इक्वल टू a बाय 2, कब, जब मिनिमम डेविएशन हो और तब I1 I2 आपस में इक्वल होंगे तो R1 R2 भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए डेल्टा m, डेल्टा m विल बी इक्वल टू 2I1 माइनस से कैसे यहां पे प्लेस कर दूं, I1 प्लस I2, I2 की जगह मैं I1 प्लेस करता हूं तो इट विल कम आउट 2I1। तो डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू 2I1 माइनस से, हेंस I1 विल कम आउट a प्लस डेल्टा m बाय 2। तो I1 भी आ गया, R1 भी आ गया, यहां पे स्नेल्स लॉ आप अप्लाई कीजिए तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1। तो साइन I1, I1 की जगह ये प्लेस कीजिएगा, R1 की जगह a बाय 2 प्लेस कीजिएगा तो म्यू विल कम आउट साइन a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2। ये डेरिवेशन कई दफे आता रहता है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया सारा, तो ये कई दफे इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं और इसको रिजल्ट को ध्यान में रखना है। तो ये प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो मैंने आपका प्रिज्म यहाँ पे हमने करा है और साथ में हमने डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, तो इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे